हेलो फ्रेंड्स, आई साबिर पठान, वेलकम टू दिस वीडियो लेक्चर। सो हम कंटिन्यूटी चैप्टर पढ़ रहे हैं और आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 6 है। ओके, सो टुडे इज आवर टॉपिक इज कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन इन्वॉल्विंग सिग्नम फंक्शन। मतलब आज हम ऐसे फंक्शन के बारे में ही डिस्कस करेंगे जो फंक्शन डिफाइन हो विद द हेल्प ऑफ सिग्नम फंक्शन। ठीक है, तो और ऐसे फंक्शन की हम क्या डिस्कस करेंगे बेटा, कंटिन्यूटी डिस्कस करेंगे कि कहाँ कहाँ पे कंटिन्यूस है या कहाँ कहाँ पे डिसकंटिन्यूस है। ओके, वो तो रिक्वायरमेंट और क्वेश्चन के हिसाब से हमें पता चलेगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम बेटा सिग्नम फंक्शन के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले सिग्नम फंक्शन क्या है वो आपको जल्दी से रिकॉल करवा दूँ। तो सिग्नम ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, अगर एक्स इज ग्रेटर देन ज़ीरो, मतलब एक्स अगर पॉजिटिव हो तो सिग्नम ऑफ एक्स का आंसर आता है 1। एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो तो सिग्नम ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, और x लेस देन 0 मतलब x जो नेगेटिव हो तो सिग्नम ऑफ x क्या होता है बेटा, -1 होता है। तो यहाँ पे आप देखो कि 0 के लेफ्ट साइड फंक्शन की वैल्यू -1 है, 0 के राइट साइड फंक्शन की वैल्यू 1 है। तो यहाँ पे बेटा लेफ्ट और राइट साइड आप लिमिट लोगे तो आंसर क्या आएगा, अलग अलग आएगा। इट मीन्स सिग्नम ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ से हमें पता क्या चला, ये स्टेटमेंट से बेटा हमें ये पता चला कि सिग्नम के अंदर जो भी वेरिएबल हो वो वेरिएबल इज इक्वल टू आप 0 ले लेंगे, वहाँ से आपको जो भी x की वैल्यू मिले वो सारी x की वैल्यू के लिए ये फंक्शन क्या होता है, डिसकंटिन्यूस होता है। यहाँ पे तो बेटा सिग्नम के अंदर x ही है तो x इज इक्वल टू 0 हो गया। अगर बेटा सिग्नम के अंदर ऐसा होता x माइनस 2 या कोई फंक्शन ऐसे डिफाइन होता f ऑफ x इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ x माइनस 2 तो ये फंक्शन कहाँ पे बेटा डिसकंटिन्यूस होता, तो अंदर क्या है बेटा x माइनस 2। तो लेट x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, 2 हो गया। तो ये फंक्शन x इज इक्वल टू 2 के पास क्या होता है बेटा, डिसकंटिन्यूस होता है। तो सिंपल, प्रीवियस लेक्चर में जैसे बॉक्स के अंदर हम इंटीजर कहाँ कहाँ पे हो रहा है वो चेक कर रहे थे, और ऐसी x की वैल्यू के पास ये सारे फंक्शन क्या होते थे, डिसकंटिन्यूस होते थे। सेम सिग्नम के अंदर क्या करेंगे, सिग्नम के अंदर जो वो x की कौन सी वैल्यू के लिए 0 हो रहा है वो ढूंढेंगे, और ऐसी x की वे सारी वैल्यू के पास ये फंक्शन क्या होता है, डिसकंटिन्यूस होता है। अंदर बेटा सिग्नम ऑफ x के अंदर तो x ही था तो x इज इक्वल टू 0 के पास डिसकंटिन्यूस होगा, यहाँ पे सिग्नम के अंदर x माइनस 2 है तो ये x इज इक्वल टू 2 के पास x माइनस 2 0 होगा, तो x इज इक्वल टू 2 के पास ये फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूस होगा। ठीक है, चलो थोड़ा एग्जांपल देखते हैं जिससे और डिटेल में एनालिसिस होगा, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ एग्जांपल इज, क्वेश्चन है डिस्कस Continuity of, first one is f of x is equal to signum of x cube minus x, okay? तो हमें क्या करना है, discuss continuity check करना है कि ये function कहाँ कहाँ पे continuous है कहाँ कहाँ पे discontinuous है। तो बेटा signum function हो तो easily discontinuous कहाँ कहाँ है वो हम easily find out कर सकते हैं। कैसे बेटा, तो हमें सिर्फ ये ढूंढना है कि सिग्नम के अंदर क्या है ये, तो ये x की कौन सी वैल्यू के पास 0 होगा ये ढूंढ लेना है। तो x क्यूब माइनस x इज इक्वल टू 0 ही ले लेते हैं, वहाँ से x को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो लेट x क्यूब माइनस x इज इक्वल टू 0
एक्स कॉमन, देन एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। सो दो ब्रैकेट यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में और उसका आंसर जीरो आ रहा है, हैंस एक्स इज इक्वल टू जीरो और एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। सो एक्स इज इक्वल टू जीरो और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन। सो एक्स इज इक्वल टू जीरो और एक्स इज इक्वल टू प्लस और माइनस वन। तो इसका मतलब ऐसा हो गया कि x इज इक्वल टू जीरो या x इज इक्वल टू वन या x इज इक्वल टू माइनस वन के लिए ये पूरा फंक्शन क्या हो रहा है, ज़ीरो हो रहा है। इसका मतलब ऐसा हो गया कि ये तीन वैल्यू के पास ये जो फंक्शन है वो क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। हैंस एट x इज इक्वल टू जीरो वन एंड माइनस वन एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस। उसके अलावा जितने भी पॉइंट हैं ये तीन पॉइंट के अलावा या ये तीन वैल्यूज़ के अलावा जितनी भी वैल्यूज़ है वो सारी वैल्यूज़ के लिए ये फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ टू कॉस एक्स माइनस वन। और हमें क्या डिस्कस करना है बेटा, कंटिन्यूटी, मतलब कहाँ कहाँ पर कंटिन्यूस है और कहाँ कहाँ पे डिसकंटिन्यूस है। तो हम क्या करेंगे बेटा, तो सिग्नम के अंदर जो है वो कहाँ पे ज़ीरो हो रहा है वो सारी एक्स की वैल्यू के पास ये फंक्शन क्या होता है, डिसकंटिन्यूस होता है। सो लेट टू कॉस एक्स माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हो गया टू कॉस एक्स इज इक्वल टू वन, सो कॉस एक्स इज इक्वल टू वन बाई टू। तो कोस की वैल्यू 1 बाई टू, तो बेटा मल्टीपल ऑफ एंगल के पास आता है, मल्टीपल ऑफ थीटा के लिए कोस की वैल्यू 1 बाई टू होती है। आप अगर देखें तो यूनिट सर्कल में फर्स्ट क्वाड्रंट और फोर्थ क्वाड्रंट में बेटा कोस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो कोस की वैल्यू बेटा यहाँ पे भी 1 बाई टू कहीं पर आएगी, यहाँ पे भी 1 बाई टू आएगी। तो बेटा जैसे आप घूमते जाओगे, अगर एक राउंड लगाओगे तो दो बार दो एंगल के पास कॉस की वैल्यू 1 बाई टू आएगी, दूसरा राउंड लगाओगे तो और दो, तीसरा राउंड लगाओगे तो और दो। तो बेटा ऐसे तो मल्टीपल ऑफ एंगल हो गए, तो आपको पता होना चाहिए कि कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा हो तो एक्स इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, 2n पाई प्लस और माइनस थीटा, वेयर n बिलोंग्स टू z। ओके, प्लस और माइनस थीटा अगर आपको याद रखना है ना तो आप ऐसे याद रख सकते हो, 2n पाई, 2n पाई मतलब क्या हो गया बेटा, मल्टीपल ऑफ 2। मल्टीपल ऑफ 2 मतलब जितने भी ये पाई है बेटा वो इवन पाई लेना है। तो आपको पता है यूनिट सर्कल में इवन पाई यहाँ पे आते हैं और जितने ओड पाई होते हैं वो यहाँ पे आते हैं। तो अगर इवन पाई यहाँ पे आ रहे हैं तो अगर प्लस एंगल करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा, अगर एंगल नेगेटिव करेंगे मतलब माइनस करेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट आएगा, क्योंकि प्लस करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं, माइनस हो तो क्लॉकवाइज जाते हैं, वो आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री में। तो देखो, और कॉस होता है बेटा वो फोर्थ और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही पॉजिटिव होता है, तो इसलिए 2n पाई प्लस और माइनस थीटा आ रहा है। तो अगर बेटा ऐसा हो कॉस एक्स इज इक्वल टू 1 बाई टू और आपको बेटा बहुत सारे एंगल ढूंढना है तो आपको क्या करना होगा, कॉस एक्स इज इक्वल टू या 1 बाई टू है बेटा वो कोस के डोमेन में कहाँ पे आता है, तो कोस का डोमेन है बेटा जीरो टू पाई, तो 1 बाई टू आ रहा है कॉस पाई बाई थ्री के पास। तो अभी ये फॉर्मूला आप अप्लाई करो, कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा वाली, तो यहाँ पे थीटा क्या है आपका, पाई बाई थ्री है, हैंस एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, 2n पाई प्लस और माइनस पाई बाई थ्री, वेयर n बिलोंग्स टू z। तो ये सारे पॉइंट के पास, ये सारी x की वैल्यू के पास ये जो फंक्शन है वो क्या होगा बेटा, डिसकंटिन्यूअस होगा। उसके अलावा जितनी भी एक्स की वैल्यू या जितने भी पॉइंट है वो सारे पॉइंट के पास ये फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो हमें तो सिर्फ बेटा डिसकंटिन्यूटी ही बोलना है कि ये सारे पॉइंट के पास फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। और ये बेटा सारे पॉइंट कैसे ढूंढ रहा हूँ, सिग्नम के अंदर जो है वो इज इक्वल टू जीरो लेके एक्स को सब्जेक्ट बनाना है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस।
तो अभी देखो सिग्नम, मतलब सिग्नम के अंदर क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस थ्री है। तो ये कहाँ पे जीरो हो रहा है वो अगर चेक करना हो तो लेट एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो ले लेते हैं। मिडिल टर्म को स्प्लिट करें बेटा, तो यहाँ पे देखो मिडिल टर्म को स्प्लिट नहीं कर सकते। आपको क्वेश्चन हो सर, थ्री वन ज़ा थ्री तो हो जाएगा, लेकिन देखो आगे बढ़ो, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, थ्री वन ज़ा थ्री करना है ना, तो माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो। कॉमन निकालो तो एक्स कॉमन, तो एक्स माइनस थ्री प्लस वन कॉमन, तो एक्स प्लस थ्री, देखो कुछ कॉमन नहीं निकलेगा। ओके अगर यहाँ पे बेटा इसको सॉल्व करना है तो हमारे पास दूसरी कौन सी मेथड है, तो आप टेंथ में पढ़ के आए हो बेटा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। कौन सी फॉर्मूला, माइनस बी प्लस और माइनस रूट डी अपॉन टू है। डी मीन्स डिस्क्रिमिनेंट, और डिस्क्रिमिनेंट की फॉर्मूला क्या थी बेटा, डी इज इक्वल टू कैपिटल डी इज इक्वल टू बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी। तो बी क्या है बेटा, माइनस टू स्क्वेयर फोर, माइनस फोर इंटू ए है वन सी है थ्री, तो फोर माइनस ट्वेल्व, तो ये हो गया माइनस एट, वो तो नेगेटिव आया। तो आपको पता होगा अगर डिस्क्रिमिनेंट बेटा नेगेटिव हो, हैंस इक्वेशन हैज नो रियल रूट। मतलब बेटा यहाँ से हमें एक्स की वैल्यू मिलेगी नहीं, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट बेटा नेगेटिव आया, और नेगेटिव का रूट कभी निकलता नहीं है, क्योंकि नेगेटिव का रूट तो बेटा कॉम्प्लेक्स मतलब इमेजिनरी नंबर निकलता है, और हमें बेटा इसका आंसर रियल नंबर में देना होता है। इसका मतलब ऐसा हो गया कि यहाँ पे बेटा एक्स की कोई भी वैल्यू के लिए, कोई भी रियल वैल्यू के लिए ये जो है वो ज़ीरो होगा नहीं। इसका मतलब ऐसा हो गया कि फोर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस। क्योंकि बेटा यहाँ पे मुझे कोई एक्स की वैल्यू मिल ही नहीं रही है, तो मिल नहीं रही इसका मतलब क्या हुआ कि ये फंक्शन कोई भी एक्स की वैल्यू के पास डिसकंटिन्यूअस नहीं है, तो ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। ठीक है बेटा, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ टू साइन एक्स प्लस ए इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल वैल्यूज, देन फाइंड पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए। ओके मतलब क्वेश्चन अगर आपको समझाऊं तो यहाँ पे जो फंक्शन दिया हुआ है बेटा वो एक्स की सारी वैल्यूज़ के लिए क्या है बेटा, कंटिन्यूअस है। क्या है बेटा, कंटिन्यूअस है। तो हमें बेटा ए की पॉसिबल वैल्यू ढूंढनी है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस करना है एक्स की सारी वैल्यू के पास, तो ए की पॉसिबल वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे इसका मतलब ऐसा हो गया कि यहाँ पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस नहीं है कोई भी पॉइंट के पास। सो हैंस जो सिग्नम के अंदर है टू साइन एक्स प्लस ए वो कभी भी ज़ीरो होगा नहीं, क्योंकि अगर ज़ीरो होता तो कोई वैल्यू के पास तो डिसकंटिन्यूस होता, लेकिन यहाँ पे तो मुझे क्या बोला है बेटा, ये फंक्शन है वो कंटिन्यूस है कोई भी वैल्यू के लिए एक्स की, तो टू साइन एक्स प्लस ए कभी भी ज़ीरो होगा नहीं। तो टू साइन एक्स अगर प्लस है को इस तरफ ले जाओ तो माइनस है, तो साइन एक्स डज नॉट इक्वल टू माइनस ए बाई टू। क्या हो गया बेटा, साइन एक्स डज नॉट इक्वल टू माइनस ए बाई टू। अभी ध्यान से यहाँ पे देखना ये जो रिलेशन है इसका मैं कैसा यूज कर रहा हूँ बेटा। मुझे तो बेटा क्या ढूंढना है, पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए, तो मतलब एक ए की इन इक्वालिटी जनरेट करनी होगी। क्या जनरेट करनी होगी बेटा, इन इक्वालिटी। ओके तो कैसे जनरेट करेंगे, तो यहाँ पे देखो ऐसा बोल रहे हैं कि माइनस ए बाई टू की वैल्यू कभी भी साइन एक्स जितनी नहीं होगी। तो साइन एक्स है बेटा साइन फंक्शन, उसका डोमेन क्या है बेटा, तो उसका डोमेन है माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, और को डोमेन क्या है बेटा, माइनस वन टू वन। मतलब साइन एक्स का आंसर हमेशा क्या होगा, ये इंटरवल में से ही आएगा। तो इसका मतलब ऐसा हो गया कि माइनस ए बाई टू का आंसर कभी भी यहाँ पे होगा नहीं। तो इसका मतलब ऐसा हो गया कि हैंस या तो माइनस ए बाई टू है उसकी वैल्यू माइनस वन से कम होगी, और
जो माइनस ए बाई टू की वैल्यू है वो वन से ज़्यादा होगी, क्योंकि माइनस ए बाई टू की वैल्यू तो साइन एक्स जितनी नहीं है, और साइन एक्स की वैल्यू बेटा ये इंटरवल में से आती है, तो ये इंटरवल की कोई भी वैल्यू बेटा माइनस ए बाई टू की वैल्यू नहीं हो सकती है। हैंस माइनस ए बाई टू लेस देन माइनस वन, मतलब माइनस वन से या तो कम होगी या वन से क्या होगी ज़्यादा होगी। तो चलो आगे बढ़ते हैं, तो अगर टू को इस तरफ ले जाए तो माइनस ए लेस देन माइनस टू और माइनस ए ग्रेटर देन टू, तो यहाँ पे तो माइनस है तो माइनस के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये हो गया ए, ये हो गया टू, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, और ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। आपको पता है कि माइनस के साथ अगर इनइक्वालिटी में मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी क्या होती है, चेंज होती है। तो आपका आंसर क्या आ गया, तो आपका आंसर आ गया ए की वैल्यू या तो माइनस टू से कम है या तो टू से ज़्यादा है। हैंस ए बिलोंग्स टू माइनस टू से कम, तो कहाँ तक, माइनस इनफाइनाइट से माइनस टू यूनियन टू से इनफाइनाइट। तो ये हो गए बेटा ए की सारी पॉसिबल वैल्यूज। ओके बेटा, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन कैसे मैंने सॉल्व किया समझ में आ गया होगा। तो ये जो क्वेश्चन था वो आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन था, यहाँ पे हम आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। और आज के लेक्चर में बेटा फिर से बोलूँ क्या डिस्कस किया हमने, कंटिन्यूटी डिस्कस की, कैसे फंक्शन की, इन्वॉल्विंग सिग्नम फंक्शन। क्या करना है बेटा, सिंपल सिग्नम के अंदर जो भी फंक्शन है वो एक्स की कौन सी वैल्यू के पास ज़ीरो हो रहा है वो सारी वैल्यूज़ के पास वो फंक्शन डिसकंटिन्यूस होता है। अगर नहीं ज़ीरो हो रहा है तो सारी एक्स की वैल्यू के लिए वो फंक्शन कंटिन्यूस है। ठीक है बेटा, तो आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट कंटेंट देखेंगे। थैंक यू।